हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है कि हमारा केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का भी जो रिजल्ट है उसको भी केवीएस के द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे कि कब आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आपके अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी के रिजल्ट की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा नोटिफिकेशन आया था केवीएस की तरफ से, उसमें केवीएस ने क्लियर कहा था कि 6414 पोस्टें हैं, लेकिन ये क्या है, टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव है। क्लियर पोस्ट नहीं पता थे कि एग्जैक्ट पोस्ट कितनी है, क्योंकि ये टेंटेटिव पोस्ट थी। तो जैसा कि आपको पता होगा 29 सितंबर को केवीएस के एक नोटिस के द्वारा ये बता दिया गया था कि जितने भी केवीएस के ट्रांसफर हैं उनको रोक दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता चला कि आपका जो भी केवीएस के जो ट्रांसफर चल रहे थे उसको रोक दिया गया है, लेकिन अब जो चल रहा है वो चल रहा है प्रमोशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी का प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल में, उसकी भी लिस्ट आ रही, लगातार प्रमोशन की लिस्ट केवीएस की साइट पर आती जा रही है। और जितने भी टीजीटी जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी का प्रमोशन हो रहा है पीजीटी में। तो अब आप एक और जो बचा है, जो पीआरटी का रिजल्ट आने के लिए जो अब जो सबसे पहले लिस्ट आएगी वो आएगी जो भी कैंडिडेट पीआरटी के जो प्रमोट होकर जाएंगे टीजीटी में। जब तक कि यह लिस्ट नहीं आ जाएगी प्रमोशन की पीआरटी से टीजीटी में, तब तक आपका पीआरटी का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि इसका रीजन यह है कि केवीएस को भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि टोटल वैकेंसीज कितनी पोस्टें खाली हैं पीआरटी में, क्योंकि उतने ही गुना उतने ही टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाना है इंटरव्यू में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा जिसमें कि आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाना है, पोस्ट के हिसाब से कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जैसे ही उनके पास एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा पोस्ट का, वैसे ही आपका जो भी रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा पीआरटी लेवल का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक लिस्ट आना बाकी है, मैंने अभी बताया आपको, वो है हमारे पीआरटी से हमारा प्रमोशन होकर टीजीटी में। और जो रिजल्ट की बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने ऑफिशियल साइट पर भी देखा होगा, नहीं तो आपने मेरे टेलीग्राम पर देखा होगा, तो जो भी टीजीटी के जो भी स्टूडेंट जो भी टीचर्स थे उनका प्रमोशन करके कहां भेज दिया गया है, पीजीटी में। तो जैसे ही प्रमोशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जल्द ही हमको टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका, अगर हम बात करें पीआरटी से पहले ही आपका टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो प्रमोशन है पीआरटी वाला, जो टीजीटी में प्रमोशन है एलडीसीई वाला, वो जल्द ही देखने को मिलेगी। जैसे ही ये लिस्ट आ जाती है उसके बाद समझ लीजिए केवीएस के पास एग्जैक्ट डाटा हो जाएगा कितनी पोस्ट खाली है, उसके बाद में पीआरटी का रिजल्ट भी 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम कहें तो अभी आपके पीआरटी का रिजल्ट आने में कम से कम 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक ये लिस्ट नहीं आएगी प्रमोशन वाली तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप सभी के मन में डाउट हो रहा है कि क्या हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, स्टे लग गया, कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल और केवल जब तक प्रमोशन नहीं हो जाएगा तब तक आपका पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा। इसी की वजह से काफी सारे कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो रहे हैं, अदर अदर चैनल्स पर जाकर उनके कमेंट पढ़ रहे हैं और कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यह कहना है कि आपके साथ वाला ही वो अपने इंटरव्यू की तैयारी लगातार कर रहा होगा लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, इस वजह से क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो मेरी बात एक बार मान लीजिए, आप मोटिवेट होइए, सेल्फ मोटिवेट होइए या जैसे भी होइए, लेकिन मोटिवेट होकर आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप सभी इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, क्या बन सकते हैं, आपको क्या बेस्ट आंसर देना है इंटरव्यू में, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर उस पीडीएफ को ले सकते हैं जिसका कि लिंक आपको इसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन कमेंट से। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेकर जाना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और फाइनल कट ऑफ आपकी हमारी जब बनती है, जब आपको नौकरी दी जाती है केवीएस में, तो फाइनल कट ऑफ जैसा कि आपको पता होगा वेटेज हमारा 70 और 30 का है। तो फाइनल कट ऑफ किस हिसाब से बनती है, किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप सब भी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंटरव्यू के क्वेश्चंस
भी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले न्यूज, ये सभी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही इंफॉर्मेशन दे रही थी कि टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट हमारा जल्द ही आने वाला है और पीआरटी का हमारा तभी रिजल्ट आएगा जब तक हमारा पीआरटी का हमारा टीजीटी में प्रमोशन की लिस्ट नहीं आ जाती है। तो आज की वीडियो में बस यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।